सरकार के साथ वार्ता में कोई समाधान नहीं निकलने के बाद दिल्ली में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार ने पंजाब के 32 किसान संगठनों से कहा कि वे अपनी आपत्तियां सही ढंग से बताएं। किसान संगठन इसी पर मंथन कर रहे हैं। वहीं अधिकांश किसान सरकार के साथ हुई वार्ता से संतुष्ट नहीं है। खबर ये भी है कि अब मेवात के किसान भी आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। मेवात के किसानों का कहना है कि वह भी दिल्ली जाएंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सूत्रों से खबर मिली है कि दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली सिंधु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने शाहीन बाग के आंदोलनकारी भी पहुंच रहे हैं। पिछले दो दिनों से इसमें बढ़ोतरी हुई है। इन लोगों ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून CAA व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के विरोध में महीनों तक सड़क जाम किया था। मंगलवार को भी सिंधु बॉर्डर पर शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ी खनिज फातिमा तदमीना रशीम समेत कई लोग पहुंचे और उन्होंने किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शन किया। सरकार और किसान संगठनों के बीच 3 दिसंबर को होगी अगली बातचीत, जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन और टकराव का हल निकालने की कोशिश जारी है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक वार्ता फिर से 3 दिसंबर को होगी। मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत किसान संगठनों के नेता शामिल रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के 4 सदस्य भी वार्ता में शामिल हो रहे हैं, जिसमें हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली सिंधु बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।